आइए अंदर सर। मैं एक बात जानना चाहता हूँ गौरव भाई, कि आप जहाँ पे जा रहे हैं ये एक्चुअली ये कौन सी जगह है और कैसे क्या है यहाँ पे अंदर? ये मुर्गी का फार्म है और यहाँ पे जाली लगी हुई है, सांप आ गया है मुर्गी खाने के लिए, नहीं अंडा खाने के लिए, और सांप घुस गया है मुर्गी के फार्म के अंदर। आइए तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ गौरव भाई कि ये किसका फार्म हाउस है, ये आप लोग बताएंगे भाई साहब? आपने बुलाया है तो ये किसका फार्म हाउस है? किसका आप लोग थोड़ा बताइए। ऋषि सिंह की। तो मतलब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो ये हम क्या कोई सांप को लेके आए थे या आपके यहाँ पे सांप निकला हुआ है? सांप निकला है। तो हम कोई फेक वीडियो तो नहीं बना रहे ना? नहीं। तो हम लोग बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना जनता को? नहीं। तो हमारे मित्र को मैं कहूंगा कि लाइट थोड़ी सी कमजोर है, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन सच्चाई को मैं प्रमाणित करूंगा। हमारे मित्र हैं ऋषि सिंह के फार्म हाउस में, मुर्गी फार्म हाउस में हमारे गौरव बिंद आ चुके हैं और देखते हैं कि हमारे भाई साहब की तहरीर पे हम इसको यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, कि देखते हैं यहाँ पे कौन सा खतरनाक जीव है। सर आपने कहाँ पे इस जीव को देखा था? ओह माय गॉड। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही खतरनाक मंजर है, जाल के अंदर है और लेकिन ये बहुत ही डरावना है दोस्तों। हम ये कह नहीं सकते कि इस समय ये आक्रामक सर्प ये कौन सी परिस्थिति में क्या करेगा। हमारा रेस्क्यूअर बहुत ही नौजवान है, हालांकि इस बात तजुर्बे की तो बहुत सारी कमी है। हमारा चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं हुआ हो चुका है वर्ल्ड एनिमल फाउंडेशन पे। मैं कहूँगा कि गोरखबिंद फिर भी एक बार हौसला रखते हैं अपने जिंदगी और मौत को दांव पे लगाने के लिए भाई साहब की तहरीर पर, ऋषि सिंह के फार्म हाउस से, मुर्गी के फार्म हाउस से यहाँ पर अंडे चुराने के लिए, मुर्गी चुराने के लिए यहाँ पे स्पेक्टिकल को बार आ चुका है। हमारे गौरवबिंद चढ़ चुके हैं और जिंदगी और मौत को बीच में दांव पे लगा चुके हैं। देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या वो कर पाते हैं नहीं, क्या लोग उनको बच्चा समझते हैं, क्या मौत का मंजर कैसे हाल होगा। दोस्तों हमें इस जीव को भी बचाना है और लोगों को भी सुरक्षित रखना है। हालांकि ये जाल बहुत ही कठिन है, इसमें इसके शरीर को फट सकता है, इसमें मतलब उसको टाके आएंगे लेकिन उसको स्टिच करने के लिए कोई नहीं होगा। तो मैं अपने रेस्क्यूअर्स से कहूँगा कि वो बिल्कुल भी इतना खींचे, उस पर कोई दबाव ना बनाए। हालांकि केजुल छोड़ने के लिए वो इतनी दूर आ चुका है, हालांकि मुर्गी उसका बहुत पसंदीदा बहुत प्रिय आहार है, जिसे कहते हैं कि पार्टी में क्या है, चिकन तंदूरी है क्या? तो हमारे रेस्क्यूअर ने एक बार फिर दिखा दिया दोस्तों, अरे तार ये कटेगा कैसे यार, तार अंदर बचाना है दोस्तों हमारे जीव को। देखिए लोग फेक वीडियो बना सकते हैं कुएं में, लेकिन एक जीव को बचाना बहुत बड़ी बात है। हमारे रेस्क्यूअर अनपढ़ है लेकिन इस बात को कहना चाहते हैं कि मैं कैसे उस जीव को बचाऊं ताकि वो चोटिल ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो, उसको कैसे भी बचाया जाए। दोस्तों बहुत बड़ा जिगर हमारे माननीय छोटे से हमारे मित्र, ओहो बड़ी परेशानी। मैं 2 मिनट के लिए कट करना चाहूंगा, थोड़ा सा इंटरप्शन है। एक बार फिर वो दोस्तों आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फंस चुका है, वो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, उसको बहुत कष्ट हो रहा है दोस्तों, लेकिन हम बहुत चाह कर भी उसे बचा नहीं पा रहे हैं। हालांकि हम थोड़ा सा पकड़ वगैरह इंतजाम करें ताकि कैसे भी वो जीव बच सके। दोस्तों हमारे मित्र जो सर्प मित्र हैं गोरखबिंद बहुत प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ऋषि जी का फार्म हाउस बहुत क्रोधित है, उसको कष्ट हो रहा है लेकिन हम बचा नहीं पा रहे हैं। अभी हमें पकड़ की बहुत तलाश है, बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा तो हम इस जीव को हम बिना छेड़े हुए हम जल्दी से हम पकड़ ला करके कटिंग करके इसे बचाने का हम प्रयास करते हैं दोस्तों। हालांकि यहाँ पे बहुत जीव प्रेमी हैं, ये ऋषि जी के फार्म हाउस की बहुत बड़ी खासियत है ठाकुर साहब की, कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ के और बिल्कुल भी शो नहीं करते, इनके लोग भी इतने मतलब जीव प्रेमी हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से गोरखबिंद ने फिर से प्रयास जारी कर दिया है बचाने का, लगातार प्रयास जारी, जिंदगी और मौत के बीच में। वो बहुत क्रोधित है लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब हम कहेंगे कि थोड़ी सी वो कटीली वो जगहें उसके चुभ रही हैं, लेकिन उसे निकालना भी उतना ही मुश्किल है दोस्तों। देख सकते हैं कि आप हमारे गोरखबिंद कितनी बहादुरी से एक डॉक्टर का काम करें, इसे उनको टाका लगाना टाका निकालना होता है इसे ताकि इसे कोई चोट ना है, उस जीव को बहुत प्रेम से निकाल रहे हैं। बहुत ही खतरनाक काम है दोस्तों, लेकिन एक जीव प्रेमी के लिए एक प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। उनके पिताजी नहीं है, उनकी माता जी हैं, उनको जो भी स्नेह मिलता अपनी माँ से मिलता है, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है,
और उनके लिए मैं उनका एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड हूँ। उसके अलावा ये जीव प्रेमी है, वो हमेशा कहते हैं कि यार गुरु किसी को मारो मत यार, किसी ने पैदा किया तो मैं थोड़ी पैदा किया, कोई पैदा करना थोड़ी मार थोड़ी सकता है। तो ये कष्ट की घड़ी है हमारे कोबरा के लिए, जल्दी से हम चाहेंगे उसकी नॉट को काट दे गोरखबिंद। हमारे पास टेक्निकल थोड़ी सी अभाव है, हम चाहेंगे अपने मित्रों से, सहयोगियों से, व्यूअर से कि हमें थोड़ा थोड़ा डोनेट करें ताकि हम बहुत हाई डेफिनेशन हाई शटर स्पीड का हम कैमरा यूज कर सकें, ताकि हम अपने ढेर सारे लाखों दर्शकों को हम बहुत सूक्ष्मता से दिखा सकें कि गोरखबिंद ने कितनी बहादुरी से इस काम को किया है। हालांकि इस काम में बहुत बड़ा जोखिम है दोस्तों, एक जीव प्रेमी होने के नाते इतना बड़ा त्याग और समर्पण बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं सैल्यूट करूंगा ऐसे 20-21 साल के नवयुवक को, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे सिंह साहब को कि जो इस फार्म हाउस ने हमको बुलाया और उन्होंने विश्वास किया कि इस लड़का ये कर सकता है, इतना बड़ा रेस्क्यू को इस बात को अंजाम दे सकता है। हालांकि हमने छोटी सी सर्विस दी, हालांकि यहाँ पे मूर्ति वाले हौसला का भी ये एरिया है, चूँकि अभी ये लोग ही जानते हैं कि पिछली बारी जब रेस्क्यू के टाइम जब हम आए थे, हालांकि उसको हमने पब्लिश करने की आवश्यकता नहीं समझी, तो हमने फ़ोन किया तो कहा कि भाई यहाँ पे कोई रेस्क्यू नहीं होता, ये रॉन्ग नंबर है, ऐसा बोल के इसको काट दिया गया था। तो हमने इन लोगों ने दोबारा मतलब आवश्यकता ही नहीं समझी, चूँकि हम ये सर के साथ बहुत संपर्क में बहुत करीब से रहे हैं। हालांकि इनको बचाने की आवश्यकता है दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक रेस्क्यू हो सकता है अपने लाइफ का। गोरखबिंद लगातार लगे हुए हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। एक जिगर ही तो चाहिए अपनी माँ के लिए दोस्तों। ये आवश्यक नहीं कि आप 10 सांप पकड़ के आप बहादुर बने, आप एक सांप पकड़ के दिखाई ना उस परिस्थितियों में, जब वो विकट से विकट परिस्थितियों में हो, आप समझ नहीं सकते कि किस परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं। मतलब वो जी सकता है मर जाएगा हम नहीं जानते, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं गोरखबिंद द्वारा। हालांकि हमारा रेस्क्यूअर बहुत अनपढ़ है, लेकिन जिगर की तारीफ करनी होगी दोस्तों। एक हौसला है, एक माँ ने आशीर्वाद दिया है, यहाँ भी माँ के आशीर्वाद से लोग जी रहे हैं। एक बार महादेव की जय हो, एक बार ईश्वर की मनोकामना करते हुए एक जीव को बचाने का पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, हमें नहीं जानते क्या हम इस जीव को बचा पाएंगे या नहीं। हालांकि इसके चेहरे को छोड़ना पड़ेगा और पूंछ से हमें रेस्क्यू करना पड़ेगा। ये गोरखबिंद जानते हैं कि हमें पीछे उल्टे से शुरुआत करनी पड़ेगी ताकि हम उसे लटका सकें और चेहरे को छोड़ दें, ताकि पूंछ से पहले उसको वहां तक पहले रिलीज करें और पीछे पूंछ से खींच लें। क्योंकि चेहरा एक बित का है और पूरा शरीर जो है वहां से उठाओ, वहीं जल्दी से उठाओ ना। एक बार फिर दोस्तों गोरखबिंद ने दिखा दिया है, निकाल दिया उसको जाली से। देखिए ये क्यों छोड़ रहा है, ये फंस गया था नीचे लेके चल रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, भूल कर भी स्टंट की कॉपी न करें, ये एक स्टंट मैन का काम है, एक रेस्क्यूअर का काम है। रेस्क्यूअर मतलब अपनी जान की बाजी लगा करके लोगों की, जीव की और मनुष्यों की रक्षा करें दोस्तों। यही मानवता है, यही धर्म है जीव के प्रति और मनुष्य के प्रति। हम ऐसी कोई झूठी वीडियो नहीं बनाना चाहते कि जिससे हम ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाना चाहते जिससे कोई झूठी सांत्वना दी जाए। इस उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी स्थान है, फार्म हाउस है मुर्गी का। हालांकि मुर्गी को हम दिखाने का प्रयास नहीं कर पाए, हमारे पास बहुत लो लाइट है, हम बहुत गरीबी की रेखा से नीचे हैं। देखिए कोबरा है, बहुत खतरनाक है, और बगल में मुर्गी का फार्म है, और आके तार में फंस गया है, और इसको मैं तार काट के तब निकाला मैं और बचा लिया इसको मैं। पहले चलते हैं जंगल में, इसको भी रिलीजिंग कर देंगे। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक मंजर है भाई साहब। मैं एक बात कहूँगा, हमारे पास देखिए टेक्निकल का अभाव है साहब। मैं इस बात को कहूँगा माता बहनों के कि हमारे पास टेक्निकल बहुत अभाव है, हमारे पास कैमरे की कमी, हमारे पास लाइटें नहीं है, हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते हैं। हम इस बात को हम स्पष्ट कहेंगे, हम आपके मालिक के सामने, हम YouTube के सामने, 137 देशों के सामने हम कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सकें। तो हम निवेदन करेंगे आज के बाद गोरखबिंद को इसको डोनेशन देना हो किसी नाम से, गोरखबिंद के लिए इस संस्था के, वर्ल्ड एनिमल फाउंडेशन के लिए, तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें, क्योंकि ये जीवों को बचाने के लिए सदैव समर्पित है। हालांकि बहुत खतरनाक है, नहीं कटा नहीं है, नहीं
इसमें थोड़ी सी हल्दी लगाई लेकिन ये जिस जगह पे फंसा हुआ था दोस्तों वहां से बचना बहुत मुश्किल था। आप क्या कहते हैं? देखिए जब कोई फंसा होता है ना तो ज्यादा आक्रामक होता है, आप इस बात मानते हैं? हाँ, बहुत ही खतरनाक होता है जब वो फंसा होता है। लेकिन हमारे गोरखबिंद ने ये सर्प मित्र है, ये जानते हैं इसमें कष्ट में इसको दवा की जरूरत है और डर के बेचारा बच के भाग रहा है, तो हमें इसके प्रति पूरी मानवता दिखानी है और हमें इसका इलाज करना है और इसे अच्छी और सुरक्षित जगह पे छोड़ना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा यहाँ के स्टाफ का, मिस्टर ऋषि सिंह की ओर से, इस फार्म हाउस की ओर से। हालांकि लोग यहाँ पे इतने सुंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं, मेरे पास लाइट का अभाव है और थोड़ी गरीबी है। ठीक है, हम इसे रेस्क्यू करते हैं फट से। हमारे पास बैटरी भी नहीं है, हमारे पास मोबाइल का इतना चार्ज भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई एम सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच। तो एक बार फिर से, खतरा इसी में होता है दोस्तों जब हम इस खेल को खेलते हैं मौत का मंजर। ये बहुत ही इतना आसान जितना दिखाई देता है उतना होता नहीं है। हालांकि हमारे गोरखबिंद इस बार नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से एक बार मर्दानगी का परिचय देते हुए उसका गला खोलते हुए उसको दबा देते हैं। केचुल छोड़ रहा है और उसमें अभी नया है केचुल। चलो ठीक है, मैं फ्लैश के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो माइक्रो हमारा इतना डिटेलिंग नहीं है। नो, इट्स डजंट मैटर फॉर मी एंड एवर, बट वी आर एडिटिंग एज वेल। मैं यहाँ के सभी स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ, बेसिकली जो इन्होंने जागरूकता का परिचय दिया। और दिवाली के दिन हमारे ऋषि सिंह के यहाँ पर ही धामी निकली हुई थी, टाइल शोरूम में निकला जब सांप, तो वो यही पता, वो यही के मालिक हैं। मैं निवेदन करूँगा कि हम लोगों को थोड़ा सा प्रमोट कर सकते लाइटों के माध्यम से। अभी ऑक्सीजन के लिए मैं बना दिया हूँ, ये चलते हैं जंगल में, इसको छोड़ देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और उसमें तार में बजा था और उसको मुश्किल से निकाला मैं जान जोखिम में डाल के। चलो ठीक है।